और उच्च स्तरीय टीम 9 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं। अगले 2 महीने में प्रतिदिन 25 से 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कानपुर में जीका वायरस को देखते हुए विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं और नवंबर के अंत तक शुरू होगा स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का जो अभियान चलना है। अगले 2 से 3 महीने रोज 25 से 30 लाख लोगों को टीका लगाया जाए। जीका वायरस को लेकर भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। तो टीम 9 को मुख्यमंत्री ने ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ाना है और इसमें गति लाने के लिए टीम 9 को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अगले 2 महीने में 25 से 30 लाख लोगों को रोज वैक्सीनेशन किया जाए। कानपुर में जीका वायरस को देखते हुए विशेष सतर्कता के निर्देश भी बरते गए हैं और नवंबर के अंत तक स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण शुरू कर दिया जाएगा। तो ये टीम 9 को नए दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने जारी किए हैं। अपने क्षेत्र की सड़कों के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर लखनऊ में आमरण अनशन पर बैठे अमेठी के गौरीगंज से सपा के पूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह को पुलिस ने देर रात हटाकर अस्पताल में भर्ती कराया। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी सुनवाते हैं। तो सड़कों के निर्माण की बात कर रहे हैं, यानी विकास डेवलपमेंट की बात है अपने क्षेत्र में, फिर क्या वजह लगती है जो इतना सब करना पड़ रहा है? आप तो जनप्रतिनिधि हैं। दरअसल वो सड़क PMGFY से बनी थी जिसका 5 साल रखरखाव विभाग को ठेकेदार को करना था, जो अक्टूबर या नवंबर 21 में पूरा हो रहा है। तो उस बीच में दूसरा विभाग उस पर काम नहीं कर सकता था, तो उसमें बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है। तो उस भ्रष्टाचार को छिपाने में हमको लगता है कि 1-2 IF लेवल तक के अधिकारी सम्मिलित हैं। तो उसको बचाने में पूरा तंत्र लगा है और मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को लगातार गुमराह कर रहा है। ये विभाग आता है माननीय मोती सिंह ग्राम विकास मंत्री जी के अंदर में, उन्होंने भी 2-2 बार पत्र लिखा और कड़ा पत्र लिखा है और PWD इसकी कार्यदायी संस्था है PMGFY की, लेकिन ये एक दूसरे के पाले में गेंद खेल रहे हैं और अंत में इस पर आ गई कि UPDA एक्सप्रेस वे की वजह से वो सड़कें टूटी हैं तो वो बनाएगा। 3 साल से मैं इस बात को रख रहा हूँ, जिसको बनाना हो बना दे, जिम्मेदारी विभाग की थी नहीं बनाई, PWD की ठेकेदार की थी नहीं बनाई, अगर UPDA की है तो UPDA से सरकार क्यों नहीं बनवा देती? ACF होम जो उसके CEO हैं वो चिट्ठी लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं, सारे हमारे DM 3-3, 4-4 चिट्ठी लिख रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे? 3 साल से लगभग 17 लोगों की जान जा चुकी है, 50 लोगों का हाथ पैर टूट चुका है। और अगर विधायक कोई मैं अपने लिए सत्ता फूक में भागीदारी नहीं मांग रहा हूँ, सुरक्षा नहीं मांग रहा हूँ, अच्छा आवास नहीं मांग रहा हूँ, मैं जो जनता के गरीब परिवार के लोगों की जान जा रही है, उनकी जान बच जाए और लोगों का नुकसान ना हो, केवल इसकी बात कर रहा हूँ, जायज़ बात कर रहा हूँ। 5 साल आपको फर्क बना के रखनी चाहिए थी, अगर UPDA ने तोड़ी है तो UPDA बनवाइए, नहीं तो आपको रखनी थी आप बनाओ अगर UPDA नहीं बना रही है, और अगर UPDA नहीं बना रही है तो उसके उन लोगों को जेल भेजिए, उन पर रिकवरी करिए। ये बताएं कि इतना समय हो गया आपको अनशन पर बैठे, अब तो अस्पताल में भर्ती हो गए आप, तो क्या इसके बाद किसी अधिकारी ने, विभागीय अधिकारी ने या शासन से किसी ने आपसे बात की? नहीं, अभी तक मुझसे किसी ने संबंध नहीं किया है, संपर्क नहीं किया है और मैं भी दृढ़ संकल्पित हूँ कि जनता ने मुझे सम्मान दिया है, जनता की मांग को लेकर आया हूँ, या तो ये सड़क बनवाएंगे या तो जान दूंगा। यहाँ पर राकेश प्रताप सिंह को हमने सुना, जिन्होंने साफ कहा कि वहाँ की सड़कों की जो हालत है वो पूरे प्रदेश की तस्वीर बयां करती है। बहरहाल उनका साफ कहना है कि जब तक उन सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं होता, हालत दुरुस्त नहीं होती, तब तक उनका ये विरोध जारी रहेगा और वो अपना विरोध खत्म नहीं करने वाले हैं। अब उनके साथ पार्टी के तमाम और लोग, उनके ज़िले से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वो भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ।